हम बूढ़ा तालाब धरना स्थल में खड़े हैं और यहाँ का आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। सहायक शिक्षक फेडरेशन का हजारों लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं। एक बार मुख्यमंत्री ने इनको बुलाया था लेकिन मुलाकात नहीं हुई, कुछ बात नहीं जम पाई। ये आंदोलन बहुत गर्माता जा रहा है, लोग बहुत दूर दूर से आए, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, कोंटा से लेके, दंतेवाड़ा से लेके, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ एक मैडम मिली हैं, ट्राइसिकल में हैं और 75% डिसेबल हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि आपको क्या लगा जो आप सैकड़ों किलोमीटर चल के यहाँ आ गई। जी, मैं हिम कल्याणी सिन्हा, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला शैगोना, विकास खंड साजा, जिला बेमेतरा से आई हूं। मैं 75% हैंडीकेप्ट हूं और मैं अपने साथियों के साथ यानी सहायक शिक्षकों के साथ ही आई हूं ताकि मैं अपने मांगों को इन लोग के साथ मांग सकूं। ये मेरी भी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हमारी जो मांग है वेतन विसंगति का, उसे दूर करें और हमें हमारी जो एक सूत्री मांग है उसे पूरा करें। हम यही कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हमारी मांग पूरी होगी हम उतनी ही जल्दी अपनी शाला ज्वाइन करेंगे और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने वादा किया था आप लोग को चुनाव के पहले, जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, वो सरकार तो आ गई लेकिन आपका वादा पूरा नहीं हुआ। जी जी सर, अभी तक तो वादा पूरा नहीं हुआ है और नहीं हुआ है, इसलिए हमें आज बूढ़ा तालाब है वहाँ पर आना पड़ा है धरना स्थल में। और हमारी जो भी समस्या है, हम ये जो व्हील चेयर है उसके माध्यम से पहुंच मार्ग तो पूरा बंद था जब आए तो, लेकिन जैसे तैसे धरना स्थल पर पहुंचे हैं। लेकिन इसकी भी मुझे कोई ये नहीं है कि मैं व्हील चेयर से आई, मैं आई और सबके साथ मेरी जो आवाज़ है वो सबके साथ उठी, ये मुझे अच्छा लगा। और मेरे साथ मेरे संकुल के जो साथी हैं वो भी आए हैं जो मेरी बहुत हेल्प किए हैं, धन्यवाद सर। देखिए, जो आंदोलन है उसमें जल्दी से सरकार को इनकी मांग पूरी करना चाहिए। ये लेते कि अपना बहुत मुश्किल से अपने स्कूल जाती हैं लेकिन उनको आंदोलन में आना पड़ रहा है, तो सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि ये अपनी व्यवस्थाओं से स्कूल जाए, ना कि ये आंदोलन के शेड में आके, आंदोलन के पंडाल में आके आंदोलन करे। आरपीएल न्यूज़ से देवाशीष, रायपुर, बूढ़ा तालाब, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में 11 दिसंबर से लगातार प्रदेश के सहायक शिक्षक फेडरेशन के साथी अपने एक सूत्री मांग वेतन विसंगति दूर करने के लिए आंदोलनरत है। आज 20 तारीख हो गया, प्रदेश के कोई मुखिया उनसे चर्चा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और क्यों होगा, प्रदेश का शिक्षा सचिव स्वयं संविदा नियुक्त अधिकारी है जिसको कोई अधिकार नहीं होता, इससे प्रदेश के सहायक शिक्षक नाराज हैं। इनको 2400 ग्रेड पेपर नियुक्ति के बाद जब क्रमोन्नत वेतनमान मिला तो इनको 4200 का वेतनमान दिया गया ग्रेड पे, और उसके बाद फिर जब नियमित पदोन्नति हुई तो 4200 से घटाकर फिर 2400 कर दिए। भाई, भारत में आपको ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा कि 4200 ग्रेड पे से घटाकर 2400 किया जाए। या तो अधिकारी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, 4200-24 में धोखा खा रहे हैं, या जानबूझकर मांग पूरा नहीं करना चाहते। और खास करके धमतरी जिला शिक्षा अधिकारी ने 42,000 शिक्षकों को जो कारण बताओ नोटिस दिया उसकी हम निंदा करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार का चाटुकार अधिकारी है। हमारा निर्णय राज्य सरकार करेगी, नोटिस देना, निलंबित करना, जेल भेजना, कोई एक जिला शिक्षा अधिकारी को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आंदोलन के समय सरकार और संगठन होता है, ये जानबूझकर के शिक्षकों को परेशान किया, इनकी हम निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मांग करता हूँ कि आपके कांग्रेस पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए जिस जिला शिक्षा अधिकारी ने जबरदस्ती कारण बताओ नोटिस जारी किया है उसको निलंबित किया जाए। और शिक्षकों से अपील करता हूँ कि कोई नोटिस का जवाब नहीं देंगे, जिसको नोटिस देना है अभी कर्मचारियों का अस्थायी पता बूढ़ा तालाब धरना स्थल है, जिसको नोटिस देना है धरना स्थल पर आकर नोटिस दें।